लाड़ो चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय मैं कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाड़ो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाड़ो का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे यही कहीं पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाड़ो दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाड़ो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडों से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद लाड़ो उस घोंसले में दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम लाड़ो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी। लेकिन घर वापस जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रहने दोगी? है, बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ दो दो अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी लाड़ो, चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए, तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। मीनू चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार कोई पंछी यहाँ पर आ गया तो वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए अब मैं पहले तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनहूस, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ।
तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे तेरे जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकारी चील मीनू चिड़िया पर हमला बोल देता है। चील ने मीनू को अपने पंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे, ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा कहीं पर छुपाना होगा, नहीं तो ये इसमें हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। चाहती तो मीनू उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अप